आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं दमाम कॉर्निश। और वैसे दमाम कॉर्निश मैं लास्ट टाइम भी गया था, लेकिन पर्सनली खोबर कॉर्निश जाना था, लेकिन सब लोग ने मिलके कलेक्टिव जो डिसीजन होता है वो लिया कि हमें दमाम कॉर्निश जाना चाहिए। माँ मार्केट जो है वो आपके शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, वहाँ पे जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें, क्लोथ्स हो गया, यारल्स हो गया, एक्सेसरीज हो गया, वो सब आपको दमाम में मिलेगा। और आपको खाने के लिए कुछ आइटम्स चाहिए तो वो दमाम में मिल जाएगा। सभी को शॉपिंग करना है तो उस वजह से आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ दमाम कॉर्निश फिर से एक बार। नमाज से वापस आते आते कुछ 12:30 हो गया था और अभी जो वक्त हो रहा है वो 1 बजे के आसपास हो रहा है। और हम यहाँ से शार्प 1:30 को निकलने वाले हैं दमाम के लिए। और अभी मैं बस थोड़ी सी तैयारी करूँगी और फिर मैं जाऊँगा नीचे, क्योंकि हमेशा की तरह 2 बज जाएंगी, एक दमाम और एक खोबर। और जो है खोबर में आपको मॉल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे अल राशिद मॉल है, मल्टीप्लेक्स है, सारे मॉल्स है खोबर में, बहुत सारे कैफेज हैं, जरी बुक स्टोर्स हैं। और पूरी तरीके से सही सलामत हम सीखों में पहुंच चुके हैं। असर की नमाज के बाद सब शॉप्स खुलेगी। क्या बोल द बॉयज, तो यहाँ दमाम के सीखों में आपको मिलेंगे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, इम्पोर्टेड बेडशीट्स एंड कारपेट्स, बूफिया शॉप्स है, कैफेज़ है, आपको क्लोथ्स मिल जाएंगे, हाइपरलुलू मार्केट्स है, बैंक्स है, गोल्ड शॉप है और परफ्यूम शॉप्स भी है। इन शॉर्ट बोले तो टोटल धमाल है यहाँ। और बहुत सारे एस्पेक्ट्स जब वेकेशन या एग्जिट पे जाते हैं तो यहीं से शॉपिंग करके जाते हैं। और ये है सीको का FS। देखो माना कि ठंडी है लेकिन फालूदा भी ज़रूरी है। चाय पे चर्चा करने का मौसम है और अभी हम फालूदे पे फन कर रहे हैं। ये जो फालूदा है ये पाकिस्तानी फालूदा है जो हमको आई थिंक 10 रियाल पड़ा है। मज़ा आया। और वैसे सीखों में इस बार कश्मीरी चाय मिल रही थी, जब तक कि हम वहाँ पे पहुँचते हैं कश्मीरी चाय ख़त्म हो गई। हमेशा की तरह हम आए हैं तमाम मस्जिद में असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। ये बहुत बड़ी मस्जिद है, यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे कॉर्निश। धीरे धीरे एक एक करके सभी शॉप्स ओपन होंगी और फिर बहुत सारी पब्लिक आएंगे यहाँ पर। शाम में तो बहुत भीड़ हो जाएगी आज। और यहाँ ऊपर से तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम सा ये व्यू है, और वो 20 किलोमीटर दूर दिख रहा है खोबर कॉर्निश भी। और अगर खोबर कॉर्निश से 60 किलोमीटर जाएंगे तो आ जाएगा बहरीन। तमाम कॉर्निश पे अच्छी खासी ठंडी हवाएं चल रही थी और इस वजह से ज्यादा लोग भी नहीं दिख रहे थे। टेम्परेचर कुछ 17-18 डिग्री सेल्सियस तक था, लेकिन ठंड सिर्फ और सिर्फ हवाओं की वजह से लग रही थी। और अगर हम यहाँ से सीधा सीधा अगर जाएंगे तो यहाँ पर पास में ही अलबेक है, और थोड़ा अगर उसके और आगे जाएंगे तो आपको मैकडी भी मिल जाएगा। लेकिन इस बार हम अलबेक नहीं जाएंगे, हम जाएंगे रुमान की हैदराबादी बिरयानी खाने के लिए। ठंडी हवा बहुत आ रही है यार। वैसे एक बैड न्यूज़ है, मेरा आधा व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं हुआ।
सऊदी अरेबिया में पेट्रोल, खबूज और खजूर बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। 10 रियाल, 20 रियाल, 30 रियाल के खजूर है यहाँ पर, और बहुत अच्छी क्वालिटी के खजूर भी है। इसी के साथ ये दिन हुआ समाप्त और ये व्लॉग भी। वदा मस्सलाम।